वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित करिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। अपनी ही सरकार से लड़ने को तैयार है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय, क्यों बोले पीछे नहीं हटूंगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल अब तेज हो गई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने एक बड़ा बयान दे दिया। सीहोर जिले के भेरोंदा इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल हुए कार्तिकेय ने जनता से कहा, आपके लिए अपनी ही सरकार से लड़ना पड़ा तो तैयार हूं। पूर्व सीएम के बेटे का यह बयान अब राजनीति गलियारों में हलचल मचा रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का कहना है कि मैं नेता नहीं हूं, मेरा राजनीति में आने का कोई मन भी नहीं है, लेकिन बाबूजी के नाम पर मुझे सम्मान मिलता है। मैं भाषण इसलिए कर रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के लिए आपसे वोट मांगने मैं आया था, अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे, मैं भी आपसे मिलने ना आऊं तो रात में चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। वोट मैंने मांगा था तो बीजेपी के जीतने पर सारे वादे पूरे करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है।